तो गाइस आज अपनी आ चुकी है एक डिलीवरी, और डिलीवरी में निकली है एक बुक, एनसीईआरटी एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल, बाकी का आगे का मैं भूल गया तो एजुकेशन कुछ तो है गाइस, अच्छा सही नाम है, आप चेक कर लेना गूगल बुक पे। में लिखा होगा ना पूरा फुल फॉर्म। नहीं, वो एनसीईआरटी की बुक में लिखा रहता है। तो गाइस बढ़िया बुक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। कमेंट में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लिख के जहाँ जो भेजना। गाइस जो समझदार बंदा होगा जिसको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पता होगा उसको शाउट आउट देंगे अगली वीडियो में, पर बिना देख के लिखना, ऐसे गूगल से टाप के लिख रहे हो। और गाइस अपनी चाय आ चुकी है, चाय एंजॉय करते हैं, डीडी चाय पी रहे हैं। मम्मी भी चाय की चुस्कारी मार रही हैं, अपन भी मारते हैं चाय की चुस्कारी और देखते हैं। आज फाइनल है मैच, फाइनल मैच है अपनी टीम का, तो उसकी भी आपको इधर रिकॉर्डिंग। इंडिया जीती तो उधर भी अपनी टीम जीत सकती आज है। हमारे 78 की 32 वाट की टीम है, 32 वाट की। अगर जीत गई तो खुशी होगी हमको, और हार गई तो वैसे कोई गम तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहां पर लगता है पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई है विनायक इलेवन ने, बजरंग इलेवन को रोक कर रखा हुआ है। अभी तक 3 ओवर ऑलमोस्ट खत्म। और अपन तीसरा उठा दिया है बॉल को, और अपन कैच बॉल कप्तान का कैच बॉल किया है, और उसी के ऊपर गाइस कल अपनी टीम हार चुकी है, वार्ड क्रमांक 32 की टीम। तो जैसा कि अनएक्सपेक्टेड था। हाँ एक्सपेक्टेड था गाइस, ये स्पेक्टेटर है जो वहीं पे था, तो इसे सब पता है। नन्नू दादा की टीम हार चुकी है, मास्टर नन्नू दादा की जीत चुकी है। मास्टर जीत चुके हैं, नन्नू हार चुके हैं। तो गाइस क्या फर्क पड़ता है, हमने तो आपको कल ही बता दिया था कि हमें जीत गई तो खुशी होगी, हार गई तो दुख नहीं होएगा, तो नहीं है हमें कुछ हमारी दुख। पूरी इंडिया खुद हारते हारते बची है, हाँ तो इनकी क्या बखत है। ये तो फिर भी वार्ड क्रमांक 32 की टीम है। तो गाइस कोई दुख वाली बात नहीं है, आपको वीडियो दिखाई दी हमने मैच की, तो दिल पे मत लेना, गुर्दे पे लेना। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस नहा धो लिया है, पूजा वूजा हो गई है, तिलक विलक लगा लिया है, खाना भी खा लिया है, और आज मम्मी और दादी जा रहे हैं अस्पताल, तो आपको दिखाते हैं। अरे क्या हो रहा है आपको, कुछ नहीं हो रहा है, फिर अस्पताल क्या रहे, कुछ तो हो रहा होगा। अच्छा हाँ थोड़ी सी कान की नस दुख रही। तो गाइस दादी कान की नस दुख रही है इसलिए दादी जा रही है। उधर मम्मी क्या हो रहा है आपको, बुखार आ रहा है, और डेंगू है डेंगू। गाइस इनको डेंगू हो चुकी है जो मेरे को हुई थी, तो ये वाला मच्छर काट खाया इनको। डेडी आगे बता, डेडी स्टॉक एनालिसिस कर रहे बात हैं, मत करो। ये सामने लैपटॉप रखा है, आज का प्रॉफिट कुछ डेडी छोटू मिठाई है क्या? प्रॉफिट लॉस कवर कर रहे हैं प्रॉफिट, 800 रुपये। प्रॉफिट ही बताओ मेरी लॉस अबे तो। लॉस भी तो 3,000 रुपये कवर करा, अच्छा उसके इन्हें बाद 1,200 प्रॉफिट। तो यानी कहीं आज 4,200 रुपये कमाए गए हैं। और गलत अभी गलत मैं सुबह 7 बजे का उठाऊंगा गाइस, अभी 12 बज रही है समय की मेरी नहीं, और उसके बाद अभी और कोचिंग क्या निकल करा लेंगे, रहे हो? तो मिलते हैं आपसे गाइस। समय हो रहा है 9:05, और डिनर लिया जा रहा है अपना, तो आपको अपना डिनर दिखा देते हैं। तो गाइस डिनर में है अपने पास मूंग की दाल, रोटी और सेव, और कल की वीडियो है ये, नहीं ये व्लॉग चल रहा है अपना कल रात से, जहाँ मैच वैच दिखाया था आपको, और ये आज रात को ख़त्म हो रहा है, तो बड़ा लंबा व्लॉग है, साइज़ में लंबा नहीं है लेकिन दिन दो है, यानी दिन तो पूरा ही लग गया गाइस। तो व्लॉग को एंड किया जाएगा छत पे जाके, तो अभी भोजन वोजन निपटाते हैं, फिर अपन चलेंगे छत पे, एला के साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाना पचाएंगे, आपसे मिलते हैं छत पे जाके। तो गाइस रात की 11 बज गई है, छत पे नहीं गए अपन, टाइम नहीं मिला, अभी अब जा रहे हैं। शायद जाए, तो अभी थोड़ी बहुत टीवी भी देख रहे हैं, डिडिया खाना रखा है, और
देखो कैसा साधु भोजन और रुचि विचार है डैडी का। मम्मी बड़ी बैठे हैं, साधु भोजन, दो रोटी दाल विचार और थोड़े से सेव, सेव भी बिल्कुल मिनिमम 10-20 दाले इनके। हाँ तो गाइस यही है अपना डैडी का वो मोटो के कम खाओ ज्यादा जियो। दो रोटी से ज्यादा न सुबह न शाम, चार रोटी दिन की बल्कि। और अगर आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ से मिला लेना 1, 3, 5, 7, 10 होता हो हाँ। तो डेढ़ रोटी खाओ हाँ। और 2, 4, 6, 8 हो तो दो खाओ, होता हो तो दो खाओ, दो खाओ हाँ। आपकी जिंदगी 150 साल चलेगी गाइस। ये नियम याद रखना, अप्लाई कर लेना अपने जीवन साल तो खाओ डेढ़ रोटी गाइस, दो नहीं डेढ़ खाओ ऑड इवन के अनुसार। अनुसार भगवान ने पैदा किया जिस दिन, अगर ऑड है तो डेढ़ रोटी, इवन है तो दो रोटी। तो भगवान ने नियम बना के भेजा, इससे फिजिक्स, इससे केमिस्ट्री, इससे मैथ्स एंड इट्स अ बायोलॉजी आल्सो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी।